ये मिर्च की पकौड़े बहुत तेज होने वाली है। तो मिर्च बड़ी पसंद है, तो कल भी मुझे मिर्च के पकौड़े खिला दिए और आज भी कल वाली आपको थोड़ा ठीक है। इस अंदर नहीं आ रहे हो, फोटोस क्लिक कर ले रहा हूं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सागर फटियार ब्लॉग्स में। तो आज है मकर संक्रांति और हम पहाड़ियों के उसमें होता है आज के दिन घुघुतिया का त्यौहार और साथ में कृष्णा भैया त्योहार के दिन पहली खीर खाते हुए और सागर तिवारी सर भी हूँ छत में, जरा फोन में बात कर रहे हैं अभी। और अभी अंदर खाना लग चुका है, कृष्णा भैया को तो इतने भूखे हो गए थे आते ही खाली खीर इनने। कैसे हो रही? अरे मजा आ गया भाई। और कुछ हमारे घुघुतिया त्यौहार के बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? हमारे त्यौहार मनाना चाहिए, अच्छा त्यौहार है। और आज के दिन हमारे वहाँ पहाड़ियों में ऐसा होता है कि आटा गुड़ मिला के थोड़ा कुछ वो बनाया जाता है, घुघुते और खजूरे बनाए जाते हैं, फिर कौवे खिलाए जाते हैं। ये हमारे पहाड़ियों में हाँ, पहले कौवे को दिया जाता है, फिर अगले दिन हम लोगों में प्रसाद बढ़ा जाता है अड़ोस पड़ोस में, ये होता है। और आज के दिन सागर तिवारी सर भी हमारे साथ है, तो अभी मिलवाते हैं। फिर भैया नीचे आ रहे हैं जरा, और सागर भैया भी आ चुके हैं। तो सागर भैया मकर संक्रांति है। अरे हाँ यार, तो भैया को भी हैप्पी मकर संक्रांति, आप सभी को और सभी भाइयों को भी हैप्पी मकर संक्रांति। और कृष्णा भैया का तो खीर खाने लग गए भाई, तो खीर खा रहे हैं भाई। चले फिर हम भी खाते हैं। ऐसा नहीं है, सागर भाई की मिर्च के पकौड़े रखी हुई है, खाएंगे सागर भाई। ये मिर्च की पकौड़े बहुत तेज होने वाली है। मिर्च बड़ी पसंद है, तो कल भी मुझे मिर्च के पकौड़े खिला दिए और आज नहीं, कल वाली आपको थोड़ा कम मिर्च लगेगी लेकिन आज वाली ज्यादा लगेगी। थोड़ा ऐसा किया खेत की, सागर भाई ने मिर्च का नाम के लिए ऐसा मिर्ची खिला रहे सागर भाई को। चलो हम भी मिर्च खा सागर भाई को, आइए आइए। तो मैं तो खा रहा हूँ खीर और भैया कह रहे हैं कि मैं खीर नहीं खाऊंगा, भैया कह रहे हैं मिर्च ही खाऊंगा। और मैंने ये भी सुना है कि मिर्च खाने से जवान साफ होती है, क्योंकि मिर्च तो होते लोग मिर्च खिलाते हैं ना, तो उतना सुर मतलब हमारा नाम हम ले पाते हैं, ऐसा होता है। सर तो आपकी तो जवान बिल्कुल साफ है भाई, वही वही रीजन मुझे लगता है आप इतनी मिर्च खाते हैं। हमारी नीयत से हमारी जवान बल्कि ज्यादा साफ है। और तोतों को भी काफी मिर्च खाई तो वो अच्छा बोलते हैं उससे ना, होता है ना सर? सुना है, बताओ आपने भी राय दो आप। हाँ बिल्कुल होता है सागर भाई। और यह है दीक्षा और यह है चाची। चाची हमेशा भाग जाती है कैमरे, बार बार कहती है। और आपको दिखाता हूँ खाना कहाँ बन रहा है। यहाँ बन रहा है खाना, चूल्हे बना हुआ है और चाचा खा रहे हैं अभी। और ये पूरी है, आलू है, खीर है, पकौड़िया है, ये मशीन है। और चाय बन रही है। जानवर क्या कर रहे हैं? एक बच्चा है अभी, एक अच्छा ये देखो, ये छोटा छोटा अभी बच्चा हुआ है। कितना महीने हो जाती इसको? 22 दिन हो रहे हैं इसको। नामकरण हो गया इसका? हाँ। इसका नामकरण हो चुका है, रामू, रामू नाम रख रहा है। अच्छा ओ रामू। और ये है, तो ये कौन सी वाली का बच्चा? इसका इसका दोनों तो उड़ गए। अच्छा बीच वाली का, तो ये बीच वाली का बच्चा है, अभी हाल ही में उड़ा है, 22 दिन उड़ गए हैं। और उसका बच्चे का नाम पड़ा है रामू। और ये हमारी गाय है और ये उसका बच्चा है। और वो बीच वाली का नाम, अच्छा इसकी माँ का नाम जयंती है और बेटे का नाम रामू है। और वो उधर वाली बच्चा का नाम क्या है, कोने वाली का? अच्छा रानी, छोटी वाली बच्चा का नाम रानी है और ये उसकी माँ है। तो हम आ चुके हैं सागर भैया कृष्णा भैया के साथ हनुमान धाम। ये देखिए गाइस, अंदर नहीं आ रहे हो, फोटोस क्लिक कर ले रहा हूँ। तो गाइस 40 किलोमीटर आ चुके हैं और अब भैया लोगों के साथ नारियल पानी पिया जा रहा है। बाबू शरीर में पानी बढ़ाना बहुत जरूरी है, अगर पानी नहीं होगा तो मेहनत नहीं होगी। सही बात, और मेहनत नहीं होगी तो फिर शूट कैसे करेंगे? तो शूट करने के लिए समझ लो पी रहे हैं, तो पानी पियो बाबू और इतना पी लो के बस भाद हो सबको अपने प्यार से। ये अच्छा अच्छा जी, तो मैं हाँ। तो गाइस मर्सिडीज बेंज आ गई है, ये चुकड़ 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 चुक
आजा। हाय गुन्नू, हाउ आर यू? हाउ आर यू? वो पैदल चला रहा है तो आज मैं गुन्नू की मर्जी लेके जाएंगे हॉन्टेड लोकेशन शूट करने। ये गाड़ी में खाली बेकूफ पर आ मेरा अंदर से पैंडल लेके अंदर से चलने में लगा हो अंदर से वो एक टायर घूम ही नहीं रहा उसको फिर भी ले रगड़ते हुए आ रहा हो क्या हुआ वो गिरा भी पानी में ही है जस्ट बैठो टायर सही है आगो नहीं जल्दी फटा फटा चलो चलो काट हो गया है बार बार इधर को आ सावधानी हटी दुर्घटना घटी अरे यार उसका हैंडल ही तो काम नहीं कर रहा पावर स्टीयरिंग किस पे लगाया तुमने अपनी गाड़ी में तो पावर स्टीयरिंग दे रखा है इसे प्लास्टिक स्टीयरिंग दे रहे तुमने मछली वाले ऐसी देते हैं टायर वाली सेवा टायर वाली सेवा है हैंडल वाली भी सब तोड़ गिरने वाली यार रिमोट आ गया कितना हो तो काफी टाइम गया फिर इसको अब कितना टाइम हो गया बड्डे में नहीं थी उससे पहले से थी हाँ बड्डे से थी सब उखाड़ दी सीधे पीछे हड्डी हड्डी बन गई बहुत बहुत सामान हाँ हॉर्न मतलब सब तोड़ा दिया है अरे क्यों गिर रहा है गुन्नू का सामने तो गाइस 10:30 हो चुका है और हम HMT की लोकेशन में आ चुके हैं कृष्णा भैया साथ में और सागर भैया साथ में मैंने पहले भी बोला था कृष्णा साथ में महाभारत होने वाली है महाभारत होने वाली है और आज होने वाली है तो चले फिर शूट करने और सामने लोकेशन है बाकी लोकेशन हम इसमें नहीं दिखाएंगे नहीं लोकेशन हम व्लॉग में नहीं दिखाएंगे लोकेशन आपको सागर तिवारी सर के चैनल में मिलेगी तिवारी तिवारी क्यों बोलते हैं यार मैं कोई यार सागर तिवारी बोलो यार सर अच्छा सर तिवारी भाई तिवारी बोल देता है सागर तिवारी के सर पे तो सागर भैया के व्लॉग में मिलेंगे आपको और आगे आप लोग को हम भी आपको सागर भैया के ब्लॉग में जाएंगे हम लोग भी मिलेंगे और बाकी ये दोनों भैया मेरे ब्लॉग में मिलेंगे आपको और गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर नहीं कर रहे हो ना तो बुरा लगेगा बस और कुछ नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपका कुछ नहीं कर सकते आप घर में बैठे हो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपका इतनी रात को आ रखे हैं और शूट कितनी देर चलेगा हमें खुद पता नहीं रहता भाई देखो रात को हम यहाँ पे टाइम जंगलों में हमारा भी सोचो यार हम भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आप करते हो है ना क्या करते हो वैसे जरा ये बताना मैं तो भैया स्टूडेंट हूँ अरे स्टूडेंट ओनली 21 ईयर ओल्ड हां बस बीकॉम थर्ड ईयर चलो भाई ये बढ़िया बात है देख रहे हो यार स्टूडेंट हूँ मतलब स्टूडेंट कुछ करता है स्टूडेंट ही तो सब कुछ कर रहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखो यार तो भाई अब यहाँ से निकलेंगे शूट करके थोड़ी देर में और बस मजा आ रहा है यार इन भाइयों के साथ सच में यार के संग बहुत मजा आ रहा है अभी तो हमने बस सिर्फ काम भी किया है और अभी बैठे नहीं है बातें बातें नहीं करी तो कभी आएंगे तो भाई की स्टोरी जानेंगे कृष्णा भाई के बारे में भी जानेंगे अब भैया हम आपके पास आएंगे बिल्कुल बिल्कुल अब भैया आए अब हम लोग आपके पास आएंगे वेलकम बिल्कुल टाइम निकाल के कोई चक्कर ओके भैया ठीक है गाइस बाय बाय लव यू ऑल मिलता है बहुत जल्द नए व्लॉग में